हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक ईट वंडर। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ सिंधिया और आज मैं आपको मुन्नार का एकदम बढ़िया सा रिजॉर्ट दिखाने वाली हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, मैं जब रिव्यूज़ पढ़कर रिजॉर्ट सेलेक्ट करी थी तो बहुत सारे रिजॉर्ट्स मुझे मिले और उसकी जो रेट है इस समय ऑलमोस्ट 9,000-10,000 पर डे की हो चुकी थी। सो आई थॉट कि वाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू, लाइक जैसे मैंने वाराणसी में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था एंड इट टर्नड आउट रियली अमेजिंग। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमने एक्सपेरिमेंट किया एंड थैंक गॉड हमें बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट मिला है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, बिकॉज मेरा हमेशा कोशिश ये रहता है कि मैं आपको बजट फ्रेंडली दिखाऊँ, एट द सेम टाइम आपको किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ऐसे कुछ कुछ जगह पे वर्कआउट होते हैं। वैसे भी मैं आपको रिव्यू एकदम जेन्यून दे देती हूँ तो आपको पता चल जाता है कहाँ पे वर्कआउट हो और कहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बट दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। जैसे ही हमने बुक किया था वी वेर डाउटफुल कि कैसे टर्न आउट होने वाला है, बट जैसे ही हमने एंट्री गेट एंटर की ना, आई न्यू कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस। और जैसे ही रिसेप्शन एरिया में बैठे वहाँ की एम्बियंस ले लो या रूम के अंदर आने के बाद जो रूम दिखा मैं, सो इट्स अमेजिंग गाइस। और एकदम वैल्यू फॉर मनी लगी। और अभी तो एकदम लाइक बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट है इस समय यहाँ पर, उसके बावजूद भी प्राइस एकदम हम लोग को आई गेस 5,000 पड़ा। इस रिजॉर्ट का नाम है ट्राइवर्स रिजॉर्ट और यहाँ पर आपको डिलेक्स रूम होती है, प्रीमियम रूम होती है। तो प्रीमियम रूम की प्राइस मैं आपको बताती हूँ। प्रीमियम रूम आपको 4,000 रुपीज़ पर डे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट का मिलेगा। इसमें आप 2 अडल्ट और 1 चाइल्ड को एकोमोडेट कर सकते हो। अगर आपके साथ एक एक्स्ट्रा अडल्ट हो तो आपको 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी फॉर देम। एंड तो हमारे साथ 3 अडल्ट एंड 1 चाइल्ड ईवू है, तो वी पेड 5,000 फॉर अ प्रीमियम रूम। और प्रीमियम रूम है, फिर एटिक प्रीमियम है, स्वीट रूम्स भी है, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज है। लेकिन स्टार्टिंग प्राइस डिलेक्स रूम की आई गेस 4,000 से थोड़ी कम, आई गेस 3,000 प्लस में रहती होगी उसकी प्राइस। प्रीमियम की 4,000 है। तो ये सभी मैं क्विकली आपको रूम टूर देती हूँ और उसके बाद हम लोग आसपास का एरिया भी एक्सप्लोर करेंगे। एसी भी है। मुन्नार के बहुत सारे रिजॉर्ट में मैं देखा है कि एसी नहीं होती है। वैसे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है एसी की, बट देन यस अगर आप समर में आते हो तो थोड़ी बहुत यू नो डिस्कम्फर्ट फील हो सकती है, तो एसी इज़ गुड टू हैव। और हम लोग मार्च के मंथ में आए हैं तो थोड़ा मतलब प्लेजेंट है, बट एसी हो तो अच्छा रहेगा। सो यस, तो क्विकली मैं आपको रूम दिखाती हूँ एंड देन विल गो हेड। रूम दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि चेक इन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था और जैसे आप पहुँचोगे आपको वेलकम ड्रिंक भी दिया जाएगा। ये ग्रेप जूस इन्होंने हमें सर्व किया है। तो ये यहाँ का बेड है, किंग साइज़ बेड है तो काफ़ी बड़ा है। एंड लैम्प्स है और दोनों तरफ साइड टेबल्स है। और ऊपर भी इनका जो डिज़ाइन है ना थोड़ा सा हट टाइप का है, लाइक इट्स नॉट हट, कंक्रीट है पूरा, बट जस्ट द शेप लुक्स लाइक अ हाउस काइंड ऑफ अ शेप। और एसी है, ब्लैंक आउट कर्टन्स है। तो यहाँ पर आपको मिरर मिल जाएगा रेडी होने के लिए। एंड देन देयर इज़ अ ड्रेसिंग टेबल। यहाँ पर एक चेयर भी आती है, चेयर भी फ़िलहाल हमने बाहर रखा हुआ है बालकनी में, मम्मी बैठी हुई है। और यहाँ पर टीवी है एंड यहाँ पर हमारा लगेज वगैरह हमने रख दिया है। और वाओ, पानी देखिए कितना प्रीमियम लुकिंग बॉटल है, पूरी ग्लास बॉटल है। एंड दो बॉटल्स दिए हुए हैं, दैट इज़ ग्रेट। यूजुअली 1 लीटर का बॉटल मिलता है पर यहाँ पर 2 1 लीटर के बॉटल्स और ऊपर से ग्लास बॉटल है, विच इज़ ग्रेट। यहाँ पर टी कॉफ़ी मेकिंग किट है, केटल है, तो सब कुछ है। और ये इनका मेन्यू कार्ड है। 245 पर कॉल करने पे यू कैन ऑर्डर योर फूड एंड डिलीवरी हो जाती है रूम में। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट की टाइमिंग क्या थी, 8 to 10 की टाइमिंग है। एंड आपको उसके लिए नीचे रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा जो -1 फ्लोर पर है। और ये है इनका वार्डरोब, तो काफ़ी स्पेस है इसके अंदर भी। एंड यहाँ पर लगेज एंड शू वगैरह रखने के लिए जगह है। अब मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। सो ये इनका वॉशरूम है। तो ये टॉयलेट एरिया है। आई गेस मेरा वॉइस एको हो रहा है, आई जस्ट कीप दिस ओपन। ओके, यहाँ पर टॉयलेट एरिया है और वहाँ पर सोप एंड आई गेस सोप है, शैम्पू है, बॉडी लोशन है, टिश्यू पेपर्स है और ये है कोम्ब। काफ़ी नीट एंड क्लीन है टॉयलेट एरिया। यहाँ पर एक वॉश बेसिन है, यहाँ पर मैं हूँ। और ये है इनका शावर एरिया, तो शावर है और बहुत ही मतलब बढ़िया क्लेनलीनेस मेंटेन की है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और यहाँ पे टाल्स रखे हुए हैं। तो यस, बोलते हैं ना कि कभी कभार एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। वैसे मतलब आई एम नॉट मच इनटू एक्सपेरिमेंटेशन, बट इस बार ऐसा हो गया था कि पूरे रूम्स फुल हो गया था और सबके मतलब वैकेशन टाइम है, समर वैकेशन है बच्चों का, तो सारे स्कूल्स वगैरह बंद हो गए, तो इसलिए यहाँ पर ना बहुत सारे टूरिस्ट हैं इस समय, तो रूम्स मिलना इतना आसान नहीं था और हमारा लास्ट मोमेंट ट्रिप प्लान था। तो आई एम काइंड ऑफ ग्लैड कि हमें रूम नहीं मिला, बिकॉज नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इतने अच्छे बजट में इतना अच्छा रिजॉर्ट हमें मिल सकता है। एंड नाउ द मेन पार्ट, बालकनी, क्योंकि मुन्नार का रिजॉर्ट हो और बालकनी ना हो, नो नॉट डन। ये है इनका बालकनी, ऐसे स्लाइडिंग डोर्स है इसमें ग्लास के, और ये देखिए, वो माय गॉड, लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। वहाँ पर एक लेक दिखाई दे रहा है एंड लॉट्स ऑफ ट्रीज, माउंटेन, बहुत ही सुंदर सा व्यू है। बालकनी में एक ही चीज़ है कि अगर थोड़े से यहाँ पे ना चेयर्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं तो अच्छा रहता, ताकि हम बाहर कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते थे। बट कुछ भी चेयर्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, सो दैट वुड बी वन पॉइंट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। तो थोड़ा अच्छा हो जाता है, गेस्ट लोग बैठने का मन करता है, इतना अच्छा व्यू है। तो येस, वो एक चीज़ है, बट अदरवाइज रूम इज़ परफेक्ट। अभी हम लोग आ गए हैं इनके रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। रेस्टोरेंट इनका काफ़ी सुंदर है और यहीं पर हमें कल सुबह आना है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये वाले टेबल से तो व्यू और भी मस्त है, लेकिन ये 2 सीटर है तो हम लोग 4 सीटर में बैठे हुए हैं। सबसे पहले हमने मंगा लिया है ये सेसमे कॉलीफ्लावर, दिखने में तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। सेसमे सीड्स ऊपर से डाले हुए हैं और बहुत ही यम लग रहा है। तो ये होने वाला है आज का स्टार्टर हमारा, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। एकदम गर्मा गर्म सर्व हुए हैं और इसमें जो भी सॉसेज इन्होंने डाले हैं इतना ज़बरदस्त डाला है, लाइक राइट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस और स्पाइसीनेस, और मतलब ज़्यादा स्वीट नहीं है, हल्का सा हिंट ऑफ स्वीटनेस आपको दिखाई देगा और स्पाइसी है अदरवाइज, बट स्टिल बहुत डिलीशियस है। मेन कोर्स में हमने रोटी, राइस और ये एक फ़िश करी हमने मंगाया, ये किंग फिश है, फ़िश करी मम्मी के लिए मंगाया है, और ये पनीर मटर मसाला है। तो चलिए अभी मेन कोर्स भी ट्राई करते हैं। तो पहले मैं पनीर मटर मसाला ले रही हूँ और इसकी ग्रेवी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की लग रही है, एंड साथ में फुल्का लिया है। तो यस, इसे ट्राई करते हैं। पनीर एकदम फ्रेश और सॉफ्ट लग रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा था टेक्सचर वाइज, और टेस्ट तो मतलब माइंड ब्लोइंग थी। एक स्मोकी टेस्ट आ रही थी मुझे, थोड़ी सी आई गेस इनके कुकिंग स्टाइल की वजह से होगा, बट बहुत ही डिलीशियस लग रहा था। और थोड़े से मैंने राइस के साथ भी इसे ट्राई कर लिया, टोटली लव्ड इट। फिर शाम को हम लोग गए थोड़ा सा साइट सीइंग करने के लिए। मुन्नार के साइट सीइंग प्लेसेस के डिटेल्ड वीडियोस आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे, मैं अगले हफ्ते ही उसे पोस्ट कर लूँगी, तो उसे देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइट सीइंग के बाद हम लोग वापस से अभी रिजॉर्ट रिटर्न हो रहे हैं। ये रिजॉर्ट का पार्किंग स्पेस है, हम लोग अपनी गाड़ी लेकर ही गए हैं कुछ ही से। आपने अगर रोड ट्रिप वीडियो देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो ये इनका पार्किंग एरिया है और ये रिजॉर्ट की फ्रंट व्यू है, लाइक एंट्री है, और बहुत ही सुंदर दिखता है आगे से भी। और मुझे तो मतलब ये रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, यू कैन ऑलरेडी सी दैट। और यस, अभी अंदर चलते हैं। अभी शाम हो चुकी है तो ये लाइट्स भी ऑन हो गए हैं और यहाँ पर वाटरफॉल फाउंटेन जैसा इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जस्ट रूम में रिटर्न हुए हैं एंड जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम द बालकनी। आई जस्ट शो यू दिस गाइस, दैट्स मून, ये माउंटेन्स, बहुत ही सुंदर सा व्यू है यहाँ से। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। यहाँ की बालकनी से जो व्यू है ना, बहुत ही मस्त है। और यहाँ पे बहुत सारे देखो शॉप्स एंड घर वगैरह दिख रहे हैं, रिजॉर्ट्स भी होंगे इसमें कुछ, बट ब्यूटीफुल व्यू। रिजॉर्ट से व्यू हो तो ऐसा, जस्ट इमेजिन मॉर्निंग में जब हम उठेंगे तो क्या मस्त व्यू रहेगा यहाँ पे, ऑसम। तो हमने यहाँ पर 1000 रुपीज़ पे किया था एक्स्ट्रा बेड के लिए, बिकॉज हम लोग 3 अडल्ट और 1 चाइल्ड है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बेड लगाया जा रहे हैं। मुझे लगा था कि बाकी रिजॉर्ट की तरह बेड नीचे बिछाए जाएंगे, लेकिन थैंक गॉड लाइक दे हैव दिस काइंड ऑफ अ फोल्डेबल बेड। फिर से रिजॉर्ट ने दिल जीत लिया एंड इतनी सारी तारीफ़ सुनकर आप ये मत सोचने लगना कि आई एम पेड फॉर दिस, लाइक ये पूरा ऑनेस्ट रिव्यू, पूरा पैसा हमने ही लगाया है रिजॉर्ट के लिए। ये रूम के जस्ट बाहर का व्यू है और अभी मैं आप लोगों को स्विमिंग पूल और ऑल्सो गेमिंग जोन दिखाती हूँ। यहाँ पे लिफ्ट भी है, वैसे हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पर है और यहाँ पर -4 तक है, 0, -1, -2, -3, -4। छोटा बच्चा, व्हाट आर यू डूइंग? तुम छोटा बच्चा नहीं है ना, तुम बोलता है कि तुम बिग गर्ल हो। छोटा बच्चा नहीं है लेकिन नॉटी बच्चा है ना। रॉक से जो पानी फ्लो होने की आवाज़ है बहुत ज़्यादा सूदिंग लगती है और ये बहुत अच्छा लगा मुझे इनका ये सेटअप, और बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर ना नीचे गोल्ड फिशेस भी है, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ पानी इतना दिखाई नहीं दे रहा है, बट येस दिन में हमने देखा था जब पानी वाटरफॉल दिन में बंद रहती है तो उस टाइम पे फिशेस बहुत क्लियरली दिख रही थी इवन ग्राउंड फ्लोर से। वो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर रिसेप्शन है एंड अब चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। ये रहा इनका स्विमिंग पूल और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत मन कर रहा था इसमें उतरने का, बट अभी टाइमिंग नहीं है। मतलब इनके टाइमिंग्स भी होते हैं, बट इनके टाइमिंग में मोस्टली हम लोग प्लेसेस एक्सप्लोर करने में लगे रहेंगे, सो मुझे नहीं लगता हम लोग स्विमिंग पूल यूज़ कर पाएंगे। एंड ये रहे पूल के रूल्स। ये इनका गेमिंग जोन है, आपको एकदम बचपन की याद दिला देगी ये वाली प्लेस। स्नेक लैडर, सांप सीढ़ी, लूडो, चेस और कैरम, ये सारी गेम्स थे यहाँ पे। दिस रिजॉर्ट लिटरली टर्नड आउट टू बी अ हिडन जेम गाइज। आई एम सो हैप्पी कि मैंने इसको स्पॉट किया और आई एम एबल टू शेयर विद यू गाइज। इट मेक्स मी फील रियली हैप्पी कि होता है ना मेहनत का फल मीठा होता है, वैसा टाइप का फीलिंग। सो आई एम सो हैप्पी कि मैं आपको ये सब दिखा पा रही हूँ। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप कि ये वीडियो अच्छा जाए। एंड यस, दिस इज़ द प्ले एरिया। बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है गाइस। बेस्ट पार्ट इसकी, एवरी कॉर्नर इज सो क्लीन। रूम, वॉशरूम, मतलब इवन द केटल, ग्लासेस, मतलब क्या बोलो, मतलब हाथ लगाइए आप जहाँ पर, इट्स क्लीन। और दैट गुड, दिस प्लेस इज लाइक मुन्नार। में आपको और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, दिस इज द प्लेस फॉर यू। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बस रात में छोटी सी ये हुई कि इनका जो मेन्यू कार्ड है, तो लाइक मेन्यू में सारे जो आइटम्स है वो अवेलेबल नहीं है। इन्होंने क्या किया, बुफे जैसा बना दिया है। तो लिमिटेड ऑप्शन, लाइक सूप में एक वेज एक नॉन वेज, स्टार्टर में एक वेज एक नॉन वेज। तो जो कुछ भी अवेलेबल था उसमें से मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। हमने वेज स्वीट कॉर्न सूप मंगाया है 2/4, और ये है पेपर चिकन था ना, पेपर चिकन मसाला फॉर माई मॉम, और ये है आलू मटर मसाला फॉर सौरभ। और ईवो और मैंने मंगाया है ये रेड सॉस पेने पास्ता। ऑल्सो रोटी और फुल्का मंगाया हमने। तो आज का डिनर यही होने वाला हमारा। डिनर वॉज रियली अ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज यू नो बहुत ही ठंडा है ये पास्ता, और पास्ता ठंडा खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। मतलब एकदम बुफे से उठा के दे दिया है फॉर श्योर, मतलब टेस्ट करने से पता चलता है। एंड इवन द सूप गाइस, सूप गर्म नहीं है, मतलब पूरा पैसा वेस्ट लग रहा है सच में। इस होटल का पहली चीज़ जो मुझे रिग्रेट हो रही है वो इट्स द डिनर। लंच भी बढ़िया था, एकदम गर्मा गर्म सर्व हुई थी, बट डिनर पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो, दे कुडंट डू इट। तो प्लान ये है कि डिनर के बाद हम सो जाएंगे, एंड कल मॉर्निंग मैं आप लोग को यहाँ का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिखाऊंगी जो यहाँ के रूम प्राइस में ही इंक्लूडेड है। सो यस, मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 6:15 इन द मॉर्निंग। यहाँ से बालकनी का व्यू मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ठंड भी है बाहर। सुबह सुबह यहाँ से खड़े होकर जो फील आ रही थी ना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की थी। बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी एंड ऑल्सो सन के ब्यूटीफुल रेज दिखाई दे रहे थे। लाइक गॉर्जियस गॉर्जियस व्यू गाइज। मॉर्निंग का व्यू इज़ लाइक सो गुड। सुबह 7 बजे का व्यू आप एक बार देखिए। दिस इज़ लाइक सो गॉर्जियस। माउंटेन्स के बीच में से सन दिखाई दे रहा है, सो ब्यूटीफुल। गॉर्जियस गर्ल। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बिकॉज ईवो को बहुत भूख लगी है ना। अभी हम लोग इनके रेस्टोरेंट पे आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। देयर इज़ कॉर्नफ्लेक्स, देयर इज़ चोकोज, ब्रेड है, बटर है, जैम है, टोस्टर रखा हुआ है, फ्रूट्स में वाटरमेलन्स रखे हुए हैं, इडली है, और यहाँ पर प्लेन उत्तपम है, सांभर रखा हुआ है, एंड ये एक पोटैटो की ग्रेवी है जो आपको पूरी के साथ खानी है, तो पूरी भी रखी हुई है गर्मा गर्म। और यहाँ पर कोकोनट चटनी है, सॉस है, और इसमें है एक यूनिक सी चीज़, ये पराठा है बट कसूरी मेथी वाली। तो एंड ये है मूंग दाल के पकोड़े, एंड ऑल्सो यहाँ पर रखा हुआ है पोहा, एंड चाय कॉफ़ी रखी हुई है। मैंने अपने लिए थोड़े से पूरी, मूंग दाल के पकोड़े, थोड़ी सी पोटैटो ग्रेवी और कसूरी मेथी के पराठे, एंड ऑल्सो वाटरमेलन ले लिया है। तो शुरुआत मैं वाटरमेलन से करूँगी। एंड यस, मुझे वाटरमेलन और मैंगो, मतलब समर के ये एकदम बढ़िया फ्रूट्स हैं, तो एंजॉय कर रही हूँ वाटरमेलन। और अब पूरी ट्राई करते हैं इस पोटैटो ग्रेवी के साथ। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी काफ़ी मीडियम थिक है, एंड टेस्ट वाइज इट वॉज रियली गुड। मतलब गर्मा गर्म पूरी थी और सब कुछ गर्म था बेसिकली, और बहुत अच्छा लगा। एंड ये कसूरी मेथी का जो पराठा है काफ़ी यूनिक है। लाइक मैंने कसूरी मेथी के पराठे कभी नहीं खाए, मतलब मेथी के खाए हैं, कसूरी मेथी के नहीं खाए। तो एक्साइटेड टू ट्राई दिस, बट ये ना टेक्सचर थोड़ा सा इसका हार्ड लग रहा है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है और टेस्ट वाइज भी इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। एंड यस अभी मूंग दाल के पकोड़े खाएंगे। इसको सॉस के साथ भी खा सकते थे लेकिन मैं इसे खाऊंगी कोकोनट चटनी के साथ। और टेस्ट इसकी अच्छी थी, इसमें अनियन और थोड़े से ग्रीन चिलीज़ थे और टेस्ट काफ़ी अच्छी लग रही थी। सो ओवरऑल ग्रेट ब्रेकफास्ट। डे 2 का ब्रेकफास्ट से ज़्यादा अच्छा था, छोले भटूरे वगैरह थे, बट ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आया। और ईवो को पूरी एंड वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है, सो शी ऑल्सो एन्जॉयड इट। इन्होंने पाइनएप्पल जूस भी रखा हुआ है बट मुझे तो बड़ा पीने का मन करता बट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। क्या आप लोग गेस कर सकते हो क्यों? अगर कर सकते हो तो कॉमेंट करके बताइएगा। आई वुड लव टू सी योर रिस्पॉन्सेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों ने इन्जॉय किया, और अगर इन्जॉय किया है तो प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करिए और एक छोटा सा कॉमेंट भी मेरे नीचे छोड़ के जाएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हर सैटरडे फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ लाती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।